जो पेड़ वांछित नहीं है कहते उसको काटो मत उसकी जड़ को नंगा कर दो कुछ समय में सूर्य की किरणों से जड़ें सूख जाएंगी तो पेड़ भी पूरा सूख जाएगा महापुरुष तत्वज्ञ संसार रूपी वृक्ष को नष्ट करते हैं जड़ से इसका अर्थ है संसार क्या है मन बाहर संसार को नष्ट नहीं करता मन में जो संसार बैठाया है उस संसार की आसक्ति उस संसार के ममत्व जगत सच है तो जगत की चाह है जो जगत झूठ हो गया तो झूठ की चाह कोई क्या करेगा तो ज्ञानी गुरु तुम्हारे मन से संसार मिथ्या है यह निश्चय बनाता है और जिसके अंदर यह निश्चय बन गया उसका संसार खत्म जिसका यह निश्चय नहीं बना उसके लिए संसार है संसार यह पेड़ पत्थर पहाड़ आदमी औरत जानवर पक्षी ये नहीं है संसार संसार है तुम्हारी आसक्ति तुम्हारी ममता तुम्हारी पकड़ ये मेरा है और गुरु इस पकड़ को नाश कर देता है Okay, तो कुछ है ही नहीं तेरा जब तू ही कुछ नहीं तो तेरा क्या है जब मैं ही कुछ नहीं तो मेरा क्या है तो ये हुआ संसार रूपी वृक्ष का नाश करना और जब ये ज्ञान तुम्हें मिलेगा तो इस ज्ञान के प्रभाव से तुम्हारे मन से आठों के आठों बंधन पिछले श्लोक में इन आठ बंधनों की चर्चा हम कर चुके हैं सो so, अभी उसको सिर्फ नाम भर ही लेते हैं संशय दया भय संकोच निंदा प्रतिष्ठा कुलाभिमान और संपत्ति ये सब से निवृत्त हो जाता है ऋषि कहता है सर्वथा इस ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करते रहो हम्म hmm, ऐसे भी ये जो जिस बाहर वाली गंगा में डुबकी लगा के तुम पुण्य एकत्रित करने की सोचते हो ना कुंभा अमावस्या पूर्णमासी बैसाखी मौनी अमावस्या इत्यादि गंगा दशहरा के दिनों में लोग खास जाते हरिद्वार नहाने के लिए गंगा जी में साइंटिस्ट का ये कहना है कि 50 वर्ष में गंगा समाप्त हो जाएगी क्योंकि जिस ग्लेशियर से गंगा निकल रही है वह ग्लेशियर बहुत स्पीड से पिघलता जा रहा है ग्लेशियर माने वो पूरा बर्फ का जो बहुत बड़ा आकार है वो पिघलता जा रहा और उसके पिघलने का जल्दी से पिघलते जाने का जो कारण है वह कारण भी हम आप सब लोग मिलकर के कह सकते हैं पूरा आदम जाति है पोल्यूशन पेड़ों का काटना वर्षा का कम होना तो बर्फ का कम होना इकोलॉजिकल जो डिसबैलेंस हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है इसके कारण से ये ग्लेशियर नष्ट होता जा रहा है लोग इतने बेहोश हैं लोग इतने लापरवाह हैं इसी गंगा नदी में दिल्ली कानपुर इलाहाबाद लखनऊ जैसे बड़े शहर और बाकी छोटे गिन लीजिए और कलकत्ते तलक जितने शहर जितने गांव सबका मेला सबका गंदा सबका सीवरेज इसी में जा रहा है ऊपर से पेड़ काटते जा रहे हैं और उसकी बड़ी त्रासदी जो आजकल है वो है प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल प्लास्टिक की थैली प्लास्टिक अमर है आप कहीं फेंक दीजिए वो खत्म ही नहीं होगा प्लास्टिक को पूरी तरह गलने के लिए कम से कम 500 वर्ष चाहिए और जितने हिस्से में प्लास्टिक रह गया उतने हिस्से जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती जो उपजाऊ ताकत है जमीन की वो नष्ट हो जाती आदमी लापरवाही से जी रहा है आज का आदमी कहीं भी गंदगी फेंक दी कहीं भी प्लास्टिक फेंक दिया कहीं भी इंडस्ट्री लगा लेता है और अपना मुनाफा कम न हो जाए इसलिए इंडस्ट्री का जो गंदा पानी है गंदे केमिकल्स हैं वह सब गंगा में या जमीन में डाल रहे तो जब जमीन ही मरेगी जब समंदरों का पानी भी गंदा हो जाएगा कहाँ से पियोगे तुम आने वाला समय बहुत भयंकर समय होगा अभी से तुम पानी देखो खरीद के पी रहे हो सरकारी नलकों में आ रहे पानी पर भरोसा नहीं है मैं न्यूयॉर्क में थी जब तो मैंने पूछा कि पीने का पानी तो उन्होंने कहा कि मैनहैटन में जिस एरिया में मैं थी मैनहैटन रे आप नल खोलिए और सीधे नल से पानी पीजिए मैनहटन का पानी इतना बढ़िया पानी है कि बॉटल्ड वाटर खरीदने की जरूरत नहीं है तो आप निश्चिंत होकर के पीजिए आज कितने ही शहर ऐसे हो चुके हैं जहां आप अपना नल खोलिए तो उसमें सीवरेज का पानी आ रहा होता है काला पानी आता है कहीं पीला पानी आ रहा है टॉक्सिक वेस्ट जो जमीन में डाले जा रहे हैं वो पानी के स्रोतों को खराब कर रहे हैं और ये पानी पीना मतलब बीमारी और इन बीमारियों को ठीक करने के लिए दवा दवा बनाने वाली कंपनियां आते समय में और भी अमीर होने वाली है क्योंकि तुम ज्यादा बीमार होने वाले क्या करो हवा तो प्रदूषित दिल्ली कानपुर लुधियाना जैसे शहर में हवा में कार्बन की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इन शहरों में रहने वाले लोगों को अस्थमा ब्रोंकाइटिस या फेफड़े का रोग या फेफड़े का कैंसर या टीबी हो जाए तो कोई हैरत वाली बात नहीं होगी जितना धुआं निकल रहा है फैक्ट्रियों से जितना गंदा पानी निकल रहा है फैक्ट्रियों से या हमारी नदियों को खराब कर रहा है पर आदमी स्वार्थी लापरवाह उसको उसको लगता मुझे क्या कहीं भी पानी की बोतल आ, आप जाओ ना सैर करने निकलो सड़क पर कार में निकलो सड़क पर खिचना ढेर दिखता है गंदगी का ऐसे बीस लाख की गाड़ी में चलता है पर अंदर शीशा डाउन करके खाया केला छिलका बाहर प्लास्टिक बाहर बोतल बाहर कैन टिन बाहर फेंक देता है और इससे जो नुकसान हो रहे हैं उसकी कल्पना भी नहीं कर रहा है। पचास साल घोषणा कर दी है जानकारों ने समझदार लोगों ने पचास वर्ष के बाद गंगा नहीं होगी क्योंकि ग्लेशियर खत्म हो जाएगा सोच के देखिए जब गंगा नहीं है बाकी उसका जो एग्रीकल्चरल या इंडस्ट्रियल या ड्रिंकिंग वाटर की जो समस्या होगी वो तो अपनी जगह अलग है पर धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोगों का क्या होगा वो अपने पाप कहाँ जाकर के धोएंगे कहाँ धोएंगे वो सो so, हम सबका एक फर्ज तो ये बनता है कि इस प्रकृति का आदर करें और इस प्रकृति को प्रदूषित नहीं करें जहाँ तक संभव हो सके इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करें ऐसी वस्तुओं का उपयोग करें जिससे धरती को पानी को हवा को कुछ नुकसान ना आए दूसरी बात बाहर की गंगा सुरक्षित तो हो उसके लिए तो जो होगा वो होगा जब सब लोग कुछ सोच के करेंगे करेंगे नहीं करेंगे तो कह नहीं सकते हैं आदमी के हिंदुओं का भविष्य अगर बहुत ही बुरा है तो निश्चय कोई कुछ नहीं करेगा और अगर उनका थोड़ा सा भी अकल समझ है ये बाबा साधु लोग भाषण देने में इतने व्यस्त रहते हैं लेकिन इस विषय में जानकारी कोई किसी को नहीं देता है ह कि कैसे गंगा नदी में कीचड़ ना डालो गंदगी ना डालो बिस्तर ना डालो कूड़ा ना डालो सीवरेज ना डालो हा? पर ऋषि कहता है ज्ञान रूपी गंगा तो नित्य गुरु के भीतर बह रही है तो गुरु से इस ज्ञान रूपी गंगा की धारा को तू भी ले ले होता ना एक नदी चल रही है उसे कैनाल काट दे वो अलग किसी दिशा में ले जाते हैं खेतों में पानी देने के लिए तो गुरु से ज्ञान की एक धारा अपने लिए ले ले और फिर उस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाता रहे तो निष्पाप और शुद्ध रहेगा ऋषि कहता है स्वभाव से ही सर्वथा शुद्ध और पवित्र ऐसे महापुरुष जहाँ रहते हैं वही स्थान तीर्थ हो जाता है तीर्थ किसको कहते हैं जहाँ मंदिर बने हो ना तीर्थ किसको कहते हैं जहाँ किसी महापुरुष ने कभी भी वास किया है किसी ऋषि ने कभी भी जिस जमीन को छुआ है जहाँ बैठ के उनने साधना की है जहाँ बैठ करके उन्होंने अपनी मस्ती को पाया है वो स्थान तीर्थ ही होता है आसन्नता शयना व गतिषंत तो अश्रारूढ़ा गजारूढ़ा सुषुप्ता जागृत शुचीभूता ज्ञानवंतो गुरु गीता जपंती ये ते शाम दर्शन संस्पर्शात पुनर्जन्म ना विद्यते अब कह ज्ञान का स्मरण कहाँ और कब होना चाहिए अब सुनो कितने आसन पे बैठे हुए जब आसन में बैठो तब लेटे हुए खड़े हुए चलते हुए हाथी या घोड़े पर सवार भाई उस समय तो में हाथी घोड़े होते थे अब कहेंगे कार ट्रक ट्रेन प्लेन जागृत अवस्था में जागते हुए में सुषुप्ति अवस्था में गहरी नींद में भी यह ज्ञान का विस्मरण नहीं होना चाहिए और जो ज्ञानवान पुरुष इस ज्ञान का स्मरण रखेगा ऐसे व्यक्ति का दर्शन स्पर्श मिल जाए बोले उससे भी पुनर्जन्म कट जाएगा हाँ, बड़ी बहुत बड़ी बात बोल दी है जागते में सोते में लेटे में चलते में सफर करते हुए में खड़े हुए में बैठे हुए में लेटे हुए में हर स्थिति में जिसके अंतर यह ज्ञान का निश्चय बना रहे ऐसे व्यक्ति का दर्शन जिसको मिले कहते उसका भी पुनर्जन्म नहीं होगा अब बात इतनी भी आसान नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो जब कहते हैं ज्ञानवान का दर्शन तो ज्ञानवान कौन है उसका शरीर ना तो ज्ञानवान का दर्शन का अर्थ फिर क्या हुआ उसके शरीर का दर्शन उसका दर्शन नहीं है जो वो है उसका दर्शन मतलब अपने ही आत्मा को आनंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप देखना यह है ज्ञानवान का दर्शन लोग हर चीज को बड़ा आसान कर लेते हैं जहाँ जहाँ ये शब्द आते हैं ना गुरु के दर्शन से लाभ हुआ पुण्य हुआ गुरु के दर्शन से आनंद हुआ गुरु के दर्शन से पाप कट गए गुरु के दर्शन से मोह दूर हो गया तो बहुत लोग यही समझते हैं कि जाके गुरु जी का फिजिकल फ्रेम उसके शरीर को देखो उससे क्या होगा उससे कुछ नहीं होगा गुरु की देह का दर्शन नहीं गुरु के आत्मा का दर्शन करो गुरु के आत्मा का दर्शन कैसे करोगे जब तुम अपने आत्मदेव के चिंतन में रहोगे यही गुरु का दर्शन है ये ही गुरु का दर्शन आपने कितने ही बार ये सुना होगा कितने ही बार यह सुना होगा और हर बार इस पंक्ति का अर्थ तुमने यही समझा है कि गुरु की देह का देखो देह तो उतनी ही कच्ची है जितनी तुम्हारी देह तो पंचभौतिक है जैसे तुम्हारा तो पंचभौतिक देह को देखने से आनंद थोड़ी हो जाएगा मोह थोड़ी चला जाएगा जहां यह शब्द सुनो या पढ़ो गुरु का दर्शन देख निहाल गुरु का दर्शन देख निहाल का दर्शन देख निहाल गुर का दर्शन देख गुर का दर्शन दे ऐसी बात सुनते ही सबको लगता है लो भाई टैची बांधो गुरुजी के पास जाओ गुरु को देखो इतना भी आसान नहीं गुरु कौन गुरु का अर्थ है ज्ञान ज्ञान कौन परमात्मा गुरु को देख के मैं निहाल हुआ मने परमात्मा को देख के मैं निहाल हुआ और कितने ही तथाकथित भक्त ही सोचते हैं गुरु का शरीर देखो निहाल हो जाओ अच्छा लगता है ऐसा नहीं कि नहीं अच्छा लगता है अच्छा लगता है बैठे जरूर देखे गुरु की देह को भी जरूर देखे पर यह याद रखे गुरु देह नहीं है गुरु शरीर नहीं है हाँ गुरु के शरीर के पास बैठने से गुरु की ज्ञान धारा सुनने को मिलेगी गुरु की सेवा करने को मिलेगी पर जिस गुरु की देह को तुम देख रहे हो जिस गुरु की देह को तुम निहार रहे हो गुरु सिर्फ उतना ही नहीं है गुरु तो उससे बहुत अधिक है गुरु के उस अनंत शुद्ध स्वरूप को दर्शन करना ये है गुरु का दर्शन गुरु का शरीर कब तक रहेगा तो गुरु का शरीर चला गया तो फिर तुम्हारा दर्शन का जो आनंद है वो भी चला जाएगा तो जो आनंद आ के चला जाए वो आनंद होगा ही नहीं वो तो सुख है बस नेत्रों का सुख है किसी को सुख अपने बाल बच्चे देख के मिलता है किसी को सुख अपना गुरु देख के मिलता है पर ये असली सुख नहीं है हाँ, इन सुखों से अच्छा है सात्विक है पर असल सुख तो नहीं है असल सुख सनातन सुख तो आपको आपके अंतर से ही मिलेगा बाहर से नहीं मिल सकता जब जब तुम गुरु शब्द सुनो तो उसके दो अर्थ जानना एक साकार एक निराकार साकार क्या है वो शरीर फॉर्म रूप नाम रंग देह यह हुआ साकार और निराकार क्या है जिसे परमात्मा बहुत लोग बहुत लोग गुरु की फोटो की पूजा करके घर में बड़े खुश होते हैं अगर तो गुरु जिंदा है तो जहां तलक संभव हो सके गुरु के समीप जाना चाहिए ता ये ना कहे कि घर बैठ करके हम फोटो देख लेते हैं और रिकॉर्डेड ऑडियो टेप सुन लेते हैं गुरुजी का ज्ञान ऑडियो टेप में होता है और ऑडियो टेप या सीडी हम सुन लेते हैं तो दोनों काम हो गए वीडियो में गुरुजी को देख भी लिया और सत्संग सुन भी लिया तो अब जाने की क्या जरूरत है फंसे फिर फंसे तुम अपने मन के जाल में एक समय में सिर्फ शास्त्र होते थे और आज के समय में रिकॉर्डेड ऑडियो वीडियो डीवीडी, वीसीडी है जिस समय लिखित शास्त्र होते थे तब भी ऋषि कहते थे मात्र शास्त्र पढ़ने से कुछ ना होगा गुरु के सानिध्य में रहो वही बात आज भी लागू है वही बात आज भी सत्य है घर बैठ करके शब्द को सुन लिया हमारे प्रवचन को देख लिया इतने से काम नहीं होगा तो समय निकाल कर उस तीर्थ में जाकर के रहे जिस तीर्थ में गुरु रहता है यूं तो गुरु जहां रहे वही तीर्थ है पर जो भी उसका स्थाई स्थान हो वहां जाकर के रहना और रहने का अर्थ क्या है रहने का अर्थ अभी जैसे आश्रम में मेरे लिए सुबह शाम फोन आ जाएगा वो आप बाहर आ रहे हो मैं क्यों वो लोग आए हैं दर्शन करने को वही अच्छी पनिशमेंट है हमारी जब हमारा जी होगा आ जाएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे हमने उनसे क्या लेना है कि नहीं वो बड़ी दूर से आए हैं मैं तो क्या हो गया उनको कोई इंतजार करो अच्छा अगर अगर तो रुक गया बुरे समय घड़ी देखता रहता कब आएंगे अच्छा कब आएंगे ये समझ नहीं है कि तू जहां पर बैठा है उस स्थान का लाभ ले, ध्यान करे जप करे और जब ध्यान जप कर कर करके बैठ बैठ के, के शरीर थक जाए तो फिर सेवा करे झाड़ू बहारे और हमने तो हमने तो कुछ ऐसी प्लानिंग की तो नहीं थी पर ऐसी हो गई है इतने वृक्ष हैं इतना इतना सुंदर नज़ारा भी देते हैं उतना सारा कबाड़ा भी देते हैं तो काम की तो कोई कमी है ही नहीं जो कर सकता है फिजिकल लेबर कर सकता है मेंटल लेबर कर सकता है क्या कर सकता है सो कर ले गुरु के भौतिक रूप से आसक्त नहीं होना चाहिए गुरु से प्रेम है तो फिर गुरु की स्वतंत्रता का मान रखना चाहिए गुरु की मौज हो समय दे बहुत अच्छा न समय दे तो भी बहुत अच्छा जो उसने दिया है क्या वो काफी नहीं है पर कूड़ बुद्धि मूड बुद्धि कहते नहीं गुरु का चेहरा नहीं दिखा हम तो इतनी दूर से आए थे चेहरा देखने को भाई दूर से आया तो फिर बैठ भी जा। जब आएंगे तब आएंगे उड़ीसा में हम भुवनेश्वर और पुरी का कार्यक्रम सत्संग का था वहां पर तो मुझे हमारे बड़े प्यारे संत हैं वो कहने लगे आइए आपको हम स्वामी माधवानंद सरस्वती जी की समाधि जो तोतापुरी महाराज हुए थे जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस को वेदांत ज्ञान दिया था उनकी समाधि पर ले चलते चलिए तो पूरी से कोई आधे घंटे की दूरी पर कहाँ गांव 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 से निकलते 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 हमें वो वहाँ लेकर के गए उस जगह में जब पहुँचे तो ऐसे छोटी सी पहाड़ी है सीढ़ियाँ हैं ऊपर को जाने के लिए इतनी चुप्पी थी इतना मौन था और इतना आनंददायी मौन था उन सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते जब ऊपर गए तो एक मंदिर नुमा इमारत दिखी और उसके भीतर बोले ये उनकी समाधि स्थल है वहां एक कमरे में उनके चार चित्र लगे हुए थे क्योंकि स्वामी माधवनंद जी 425 वर्ष जिए थे तो पहली चित्र है जब वो 105 साल के हैं दूसरी फिर 100 साल बाद तीसरी फिर 100 साल बाद चौथी जब वो 425 के थे ऐसे चार फोटो उनके लगे हुए थे ऐसे वहाँ कोई बंदा नहीं मिला कोई कुछ फिजिकली कुछ कार्यक्रम थोड़े हो रहा है लेकिन वो ऐसा सुंदर तपोमय साधना स्थल है कि जरा भी अगर किसी के अंदर सात्विकता होगी तो वहाँ जाते ही मन शांत हो जाएगा ये ही तीर्थ की पहचान होती ये ही आश्रम की पहचान होती जहां जा करके जिस भूमि पर पैर रखते ही तुम्हारा मन शांत और शीतल हो जाए जानना यहाँ किसी किसी देव पुरुष ने यहां किसी महापुरुष ने अपने तपोबल का एक ऐसा वातावरण तैयार कर दिया है और वो वाइब्रेशंस, वो ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती चाहे हजारों साल निकल जाए वो जगह उतनी ही जागृत रहती है वो जगह उतनी ही ऊर्जामयी रहती है शरीर से वहां कोई नहीं कोई भी नहीं पर फिर भी उस जगह में कितना कुछ कितना कुछ लेने वाला चाहिए सब जगह से मिलता वाह सो so, गुरु के भौतिक रूप पर स्थूल शरीर पर बहुत ज़्यादा केंद्रित नहीं होना चाहिए जब तलक गुरु शरीर में है ये सौभाग्य जानना चाहिए सो so, जितना हो सके अपना वक्त उनके समीप बिताना चाहिए फिर मैं एक बात और कह देती हूँ मैंने एक चीज़ और नोट करी कई बार कई लोग हमारे विभिन्न सत्संग कार्यक्रमों में सेवा के लिए आ जाते हैं अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है बड़ी मेहनत करते हैं हमारी बड़ी शुभकामनाएं हैं उनको पर एक जो बहुत भारी कमी मैं उनमें देखती बहुत भारी कमी है उनमें और वो ये है कि जहाँ सत्संग ख़त्म हुआ उनकी छह पे छह पे चह पे चह पे बोलते रहते बोलते रहते बोलते रहते